हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह है पपाया हलवा। तो चलिए बना लेते हैं इसे। पपाया हलवा हम बनाने वाले हैं आज। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पपाया लिया है जो हल्का सा पका हुआ है। देखिए स्लाइटली इसका रंग चेंज है। इसी तरह का पपाया हमने लेना है जो पूरी तरह से कच्चा भी ना हो और पूरी तरह से पका भी ना हो। इसको साफ करके छील के इसे हमने ग्रेट कर लिया। ये देखिए इस तरह से ग्रेट करके हमने रख लिया है। यहाँ पर थोड़े किशमिश लिया है, घी, इलायची पाउडर, बादाम, कैश्यू और यहाँ पर जैगरी लिया है मैंने। आप लोग शुगर भी डाल सकते हैं। पपाया हलवा जो बना रही हूँ मैं उसमें मैं जैगरी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मिल्क मेड हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जैगरी डाल दिया है पैन में। जैगरी में हमेशा पानी में थोड़ी देर बॉईल करके उसे छान लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसमें छोटे छोटे पत्थर मिट्टी होता है, इसलिए आप कभी भी जैगरी को छान के यूज कीजिए। जैगरी में हम डाल देंगे ग्रेटेड पपाया। इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे। इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये जैगरी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। देखिए फ्रेंड्स बॉईल हो गया है। इसको ओकेशनली चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए कि ये नीचे ना लगे। पपाया सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस रेसिपी को और भी हेल्दियर बनाता है हमारा जैगरी। शुगर मैं इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को शुगर के साथ भी बना सकते हैं। पैन में पपाया को घी के साथ थोड़ा सा भूनिए, उसके बाद आप उसमें शुगर ऐड कीजिए। दूध डालिए या मिल्क मेड डालिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए। पपाया हलवा रेडी। पर मैं यहाँ पर इस तरह से बना रही हूँ, पहले जैगरी के साथ में पपाया को बॉईल कर लेती हूँ और उसे पूरी तरह से ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या कितने रेशो में लिया है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिटन रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, किशमिश और बारीक कटा हुआ आमंड्स और कैशू नट्स। देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी के बिना तो हलवा बनता ही नहीं है ना। देखिए हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें अब डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, अच्छी तरह से मिला दीजिए।
जैसे ही हलवा रेडी हो जाता है ये कढ़ाई छोड़ने लग जाता है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ी देर और उसे हम चलाते रहेंगे। स्टेज में इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये कढ़ाई से लग जाएगा। इस तरह से रेडी है पपाया का हलवा। देखिए कढ़ाई में अभी लग नहीं रहा है, मतलब ये रेडी हो चुका है। इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा पपाया हलवा बनाना कितना इजी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।